सत्यल की देखने वाले दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो शख्स आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, जे सुरेंद्र कुमार छोड़ी जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जिस तरह आपने देखा सोशल मीडिया पे सुबह जीवन नगर की जो कहानी थी वो बहुत भयंकर गई, और जे उस कहानी के चश्मदीद सुरेंद्र छोड़ी जी हैं, जिन्होंने आज सुबह जब बारिश हो रही थी पूरे जम्मू के अंदर घूम घूम कर देखा कि जम्मू के अंदर बारिश से क्या हालात बने हुए हैं। उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र छोड़ी जी हैं। आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। छोड़ी साहब, सबसे पहले सत्य लकीर में आपका खैर मकदम है। हाँ जी, मैं सुरेंद्र कुमार छोड़ी बोल रहा हूँ। मैं आज सुबह जब बारिश लगी ना, मैं सुबह निकला पूरे जम्मू का दौरा करने के लिए। मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ पानी आता मैं वहाँ गया। पहले मैं गया इधर से निकला, अपने घर से निकला, कनार रोड में गया। कनार रोड में जाकर मैंने देखा कि इतना पानी था, लोगों के दुकानों में घरों में पानी भर गया। बहुत परेशान थे लोग, और मैं उनको देखे बहुत दुखी हुआ। देखो, जो ऐसा बेचारा गरीब आदमी है ना, जिसके घर में पानी चले जाए ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है। खाना बाहर सीटी तो उन्होंने बना दी, वो सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। नाम की स्मार्ट सिटी है, बाकी काम की स्मार्ट सिटी नहीं है। जो ऐसे हालात हैं वो आप भी होते सुबह देख के ना, तो आप भी रोने लगते। मैं तो खैर अंदर अंदर से इतना रो रहा था कि इनका क्या होगा। कोई भी आज ऐसे हालात हो गया, गरीब आदमी क्या, मीडियम क्लास जो भी लोग हैं, दिहाड़ी लगाते हैं तो खाते हैं, तो जिनके घर में पानी चले जाए उनका क्या हाल होता होगा। तो और स्मार्ट सिटी का सिर्फ इन्होंने एक बोर्ड बनाया हुआ है, जो सेंटर को बता रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाइयो, और स्मार्ट सिटी वाला कोई ऐसा नहीं दिखा। आज जैसे पानी मैंने कनार रोड में देखा, फिर कनार रोड से चलते 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 मैं इधर गांधीनगर पुलिस स्टेशन के पास आया, वो इधर देखा पुलिस स्टेशन में इतना पानी भर गया था, उन्होंने दीवार तोड़ के पानी निकाला। फिर उधर से मैं निकला, गोल मार्केट में आया, गोल मार्केट से होते हुए अप्सरा रोड पर आया, जो स्मार्ट सिटी करोड़ों रुपये खर्च किए हुए हैं वो खा गए अपने पेट भर के, और लोगों को लिए कुछ नहीं किया। और दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ था, वो दुकानदार अपने उनका सामान जो रेडीमेड का सामान था वो इतना ख़राब हो गया कि आप पूछो मत। फिर मैं उधर से निकला, फिर मैं निकलते निकलते जीवन नगर चला गया। जो जीवन नगर में मैंने जो देखा ना, वो शायद किसी और ने, काफ़ी दुनिया थी देखने वाली, और मुझे देख के इतना दुख हुआ कि उधर 5-6 फुट पानी अंदर चला गया लोगों के, और उनके जो टीवी, फ्रिज, LED वगैरह, बेड वगैरह, कपड़े वगैरह, वो इतने ख़राब हो गए थे कि आप पूछिए मत। और वहाँ वो लोग बेबस थे, इतने बेबस थे। एक तो पहले जो फ्लैट आया था उसके साथ वो अभी उनके सीधे नहीं, आपका कहना वो सीधे नहीं उभरे नहीं थे उस सदमे से, फिर से उनके घरों में कहर बरस गया, फिर ये पानी आ गया। और जब भी बारिश आती है, जब भी समझ लीजिए आसमानों पर बादल छाते हैं, तो वो लोग घबराना शुरू कर हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। एक तो नाला इतना भरा हुआ है, जहाँ तो उस नाले का थोड़ा 5-5, 6-6 फुट उसके सफाई करें। आपका कहना कि नाले की डीसिल्टिंग की जाए। हाँ बिल्कुल, डीसिल्टिंग की जाए, उसको साफ किया जाए, और जो पुल है वहाँ 3-4 पुल आते हैं जो, उनको तोड़ के उनको ऊँचा किया जाए, दीवारें थोड़ी सी ऊंची की जाए, फिर जाके वो उन लोगों को सांस में मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो पुल हैं इनको आप तोड़ के बनाया जाए। और जो ये जहाँ के जो हमारे लीडर हैं ना, ये कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने आंखें बंद कर दी है, इन्होंने आंखें बंद कर दी, और LG के आगे ही अब गुहार लगा सकते हैं। और किसी का आपसे जानना चाहेंगे, जब आप उस एरिया का दौरा सभी का, क्या भाजपा का कोई नेता जैसे बलदेव सिंह बलौरिया जी, कहीं कविंदर गुप्ता जी, जहाँ जुगल किशोर जो MP हैं, वो नजर आए उन एरिया में लोगों का हाल चाल जानते? नहीं, मैंने वो नहीं देखे। मैंने सिर्फ वो एक जो पुलिस चौकी के SHO थे, वो बेचारे काफ़ी आए थे, वो भी परेशान थे, उन्होंने भी लोगों की सुध बुध ले रहे थे। और DC ऑफिस से जो अफसर आए थे, मैंने उनको थोड़ा देखा, मैं साइड में चला गया, मैंने ज़्यादा बात सुनी नहीं उनकी, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, क्योंकि मैं खुद परेशान था, लोग परेशान थे। और लेडीज़ वगैरह आपने देखे नहीं रोड पे कैसे बैठी हुई थी, वो रो रही थी। कुछ लेडीज़ तो ऐसे गिर गई थी, उनके बाजू में लग गई, गले में लग गई, वो ऐसे हालात बने हुए थे। बताइए क्या कहें इनको, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सोच रही इन लोगों के लिए।
दर्शकों, जैसे कि सुरेंद्र कुमार सोढ़ी जी ने कहा कि काफ़ी सारे बुरे हालात हैं, उन्होंने आंखों देखी जो थी वो हमारे चैनल सत्य लकीर पे बयान की। आपको ये वीडियो कैसे लगी, इनके सजा जो इन्होंने दिए सरकार को वो आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना ना भूलिएगा। आप देखिएगा सत्य लकीर। खुदा हाफिज़।